एमपी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपी तक ने नेशनल हाईवे नंबर 45 की सड़क में पड़ी दरारों का हाल दिखाया था, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही एमपीआरडीसी के भोपाल में बैठे अधिकारियों ने NH-45 को बनवाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल NH-45 में सड़क की जर्जर हालत बिनेगा से बरेली के बीच बनी हुई थी। इस सड़क में दरारें साफ नजर आ रही थी, वो भी निर्माण के मात्र 2 साल के अंदर ही सड़क का ये हाल हो गया था। ये मामला जब अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया था। दरअसल इस नेशनल हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने के लिए 2011 में मंजूरी मिली थी। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया, लेकिन सड़क बनाने में ठेकेदारों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो नेशनल हाईवे ने सड़क निर्माण की जिम्मेदारी एमपीआरडीसी को सौंप दी। एमपीआरडीसी ने 300 किलोमीटर की सड़क के निर्माण के लिए 5 ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी। जहां सड़क में दरारें आई हैं, उसका निर्माण दिल्ली की BGCC नाम की कंपनी ने किया था। फिलहाल एमपी तक ने इस खबर को उठाया था, जिसके बाद भोपाल में बैठे अधिकारियों ने एनएच नंबर 45 में काम शुरू कर दिया है। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट, एमपी तक।